हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे काफ़ी खतरनाक ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप सिर्फ अपने एनिमीज को यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर पाओगे और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और अपने एनिमीज को भी यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर से देखना और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वैसे मैं पहले ऑर्डर के काफ़ी डैमेज दूंगा और इस ट्रिक को यूज करके आप भी कैम कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपने एनिमीज को भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर सकते हो। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ब्रेक सिंगर वाले मोड में आ जाना है और जैसे ही इस वाले मोड के अंदर आ जाओगे फिर आप यहाँ पे क्या करना है, आपको काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ किसी बड़े वाले पेड़ के पास यहाँ पे चले जाना है और जैसे ही किसी बड़े वाले पेड़ के पास यहाँ पे चले जाओगे फिर आगे जाके आप बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैं इस वाले बड़े वाले पेड़ के पास आ चुका हूँ। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने हाथ में यहाँ पे ब्रिक ग्रेनेड को यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है जैसे मैं यहाँ पे सेट करूँगा और जैसे आपका ब्रिक ग्रेनेड यहाँ पे सेट हो जाएगा फिर आप यहाँ देखना जो आपके यहाँ पे ब्रिक ग्रेनेड है वो टोटली यहाँ पे हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने हुक का यहाँ पे यूज़ करना है और जैसे आप हुक का यूज़ करके सामने तरफ जाओगे फिर आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से यहाँ पे एम करके यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे फायर वाला बटन को यहाँ पे प्रेस करना होगा और जैसे यहाँ पे करोगे फिर आप ये देखना जो आपके यहाँ पे करेक्टर वो सीधा है ब्रिक ग्रेनेड के ऊपर की तरफ आ जाएगा। और गाइस इस ट्रिक का यूज़ करके यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे आ सकते हो पेड़ के और आराम से यहाँ पे कैंपिंग करके अपने एनिमीज को भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर सकते हो। और गाइस अगर आपको यहाँ से वापस से नीचे तरफ जाना होगा तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, आप दोबारा से अपने हुक का यहाँ पे यूज़ करना और जैसे ही हुक का यूज़ करके अपने जमीन पे यहाँ पे एम करोगे तो आप ये देखना आप आराम से नीचे तरफ भी आ जाओगे। सो गाइस आपको ये ट्रिक कैसी लगी, अगर आपको ये ट्रिक यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस मैं नेक्स्ट ट्रिक है ये काफ़ी अमेजिंग है और इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने आपको यहाँ पे टोटली हाइड कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स और यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फिर से ब्रिक सिंगर वाले मोड में आ जाना है और जैसे मैं इस वाले मोड के अंदर आ जाओगे फिर आपको किसी भी लॉन्च पैड के पास यहाँ पे चले जाना है और जैसे आप किसी भी लॉन्च पैड के पास यहाँ पे चले जाओगे फिर आपको मेरे यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना होगा। तो गाइस अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने लॉन्च पैड के सामने की तरफ यहाँ पे आ जाना है और जैसे ही आप सामने की तरफ आ जाओगे फिर आपको अपने ब्रिक ग्रेनेड को यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है जैसे मैं यहाँ पे सेट करूँगा और जैसे ही आपका ब्रिक ग्रेनेड यहाँ पे सेट हो जाएगा फिर आगे जाके आप मेरे को ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस यहाँ पर मैं ब्रिक ग्रेनेड यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने लॉन्च पैड को यहाँ पे यूज़ करके अपने एग्जिट वाले बटन पे प्रेस करना है और जैसे आप करोगे फिर आप ये देखना जो आपके यहाँ पे करेक्टर है वो सीधा है ब्रिक ग्रेनेड के अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अभी आपको अपने करेक्टर थोड़ा सा दिख रहा होगा ब्रिक ग्रेनेड के बाहर की तरफ। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने लॉन्च पैड को दोबारा से यहाँ पे यूज़ करना है और जैसे आप यूज़ करके अपने लॉन्च पैड को थोड़ा सा यहाँ पे मूव करके एग्जिट दबाओगे फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे करेक्टर पूरी तरीके से यहाँ पे हाइड हो चुका है और गाइस इस वाले ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो और साथ ही साथ आप इस वाले ट्रिक को यहाँ किसी भी लॉन्च पैड के साथ यहाँ पे आराम से कर सकते हो। बस आप मेरे वाले स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना तो आपकी ट्रिक भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे काम कर जाएगी। सो गाइस आपकी ट्रिक कैसी लगी, अगर आपकी ट्रिक भी पसंद आई तो कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ये भी काफ़ी खतरनाक है और इस ऑर्डर को यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स और अपने एनिमीज़ को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे और साथ ही साथ आप अपने एनिमीज को भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर पाओगे। तो इस ऑर्डर को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फिर से ब्रिक सिंगर वाले मोड में आ जाना है और जैसे आप इस वाले मोड के अंदर आ जाओगे फिर आगे जाके आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो इस वाले ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रिक ग्रेनेड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप यहाँ 10 से 12 ब्रिक ग्रेनेड की तो यहाँ पे ले आना और जैसे आप ब्रिक ग्रेनेड को यहाँ पे ले आओगे फिर आपको अपने ब्रिक ग्रेनेड को यहाँ कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट करना होगा जैसे मैं यहाँ पे सेट करूँगा और जैसे यहाँ पे सेट कर लोगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने हुक के मदद से इसके ऊपर यहाँ पे चढ़ जाना है और जैसे आप ऊपर की तरफ यहाँ पे चढ़ जाओगे फिर आगे जाके आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो जैसे आप ये कर लोगे फिर आप ये देखना आप ये ब्रिक ग्रेनेड के ऊपर की तरफ आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे और ब्रिक ग्रेनेड को यहाँ पे सेट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ अभी बिल्कुल वैसे यहाँ पे सेट करके अपने हुक का यहाँ पे यूज़ करना। तो जैसे आप ये करोगे तो आपका करेक्टर है और ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा और गाइस आप जितना ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकते हो आप उतने ऊपर की तरफ यहाँ पे चले आना। तो जैसे आप इन वाले स्टेप्स के फॉलो करते करते काफ़ी ऊपर की तरफ यहाँ पे चले जाओगे फिर आपके यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे समोन एयर ड्रॉप की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और जैसे आप अपने समोन एयर ड्रॉप को यहाँ पे मंगाओगे फिर आपको यहाँ पे काफ़ी खतरनाक सीन देखने को मिलेगा। तो जैसे आपका एयर ड्रॉप यहाँ पे आ जाएगा फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने एयर ड्रॉप के ऊपर चढ़ जाना है और जैसे यहाँ पे चढ़ जाओगे ऊपर की तरफ फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने ब्रिक ग्रेनेड को यहाँ पे तोड़ देना है और जैसे यहाँ पे तोड़ोगे फिर आपको यहाँ पे काफ़ी खतरनाक सीन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ब्रिक ग्रेनेड यहाँ अच्छी तरीके से यहाँ पे टूट चुका है और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो जो मैं यहाँ पे एयर ड्रॉप है वो हवा में यहाँ पे अटक चुका है और जैसे आपका फ्रेंड इस ट्रिक को करता हो आपको यहाँ पे देखेगा वो भी यहाँ पे एकदम से सरप्राइज हो जाएगा कि आपका एयर ड्रॉप हवा में यहाँ पे कैसे अटक गया।
और क्या सेसर को आप कहीं पे भी जाके आराम से यहाँ पे कर पाओगे, बस आपको यहाँ पे काफ़ी सारे में ब्रिक ग्राइंड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और जैसे भी काफ़ी सारे ब्रिक ग्राइंड का यूज करके काफ़ी ऊपर की तरफ जाओगे तो आप मेरे वाले स्टेप्स में बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना, तो आपके ट्रिक में काफ़ी सारे यहाँ पे काम कर जाएगी। सो गाइस आपके ट्रिक में कैसी लगी, अगर आपके ट्रिक में पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, कमेंट करके आप जोर से बताना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो अगर हमारे नेक्स्ट ट्रिक है काफ़ी तो खतरनाक होने वाली है, और इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने रैंक को भी काफ़ी यहाँ पे पुश कर सकते हो। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एल्पाइन मैप में आ जाना है, और जैसे भी एल्पाइन मैप में आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ इस वाली जगह पर आ जाना है। तो जैसे भी यहाँ पर आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सामने पानी की तरफ यहाँ पे जाते जाना है, और जैसे आप पानी की तरफ यहाँ पे जाते रहोगे फिर आपको आगे जाके आप मेरे को ध्यान से फॉलो करना होगा। तो जैसे यहाँ पे पानी के अंदर की तरफ यहाँ पे जाते जाओगे फिर यहाँ पर एक टाइम होगा जो आपको यहाँ पे करेक्टर होगा यहाँ पानी के अंदर यहाँ पे तैरने लगेगा, तो आपको यहाँ पे पानी के अंदर जाके यहाँ पे तैरना नहीं है। तो यहाँ पर आपको यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे खड़ा होना होगा कि जैसे आप यहाँ बैठ जाओ तो आपका करेक्टर टोटली यहाँ पे हाइड हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे बैठूंगा अभी बिल्कुल वैसे यहाँ पे बैठ जाना, और जैसे यहाँ पे बैठोगे फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो आपके यहाँ पे करेक्टर पूरी तरह से यहाँ पे हाइड हो चुका है, और क्या सेसरेटर का यूज़ करके आप पानी के अंदर यहाँ पे हाइड हो सकते हो, और जैसे आपका एनिमी आपकी तरफ आ रहा होगा तो आप एकदम से खड़े होकर अपने एनिमी को भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर सकते हो। और जब भी यहाँ पे जोन बनेगा तो आप इस सेसरेटर का यूज़ करके अपने आप यहाँ पे टोटली हाइड भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। और अगर मान लो आपके यहाँ पे एनिमी देख भी लेता है और वो आपके यहाँ पे फायर करके मारने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पानी के अंदर यहाँ पे बैठ जाना, और जैसे यहाँ पे बैठोगे तो जितना भी डैमेज होगा सारा सारा है पानी के ऊपर आके रुक जाएगा, और इस सारे ट्रिक का भी यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। सो अगर जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको वीडियो में बताया सारे ट्रिक्स आपको कैसी लगी, अगर आपको सारे ट्रिक्स यहाँ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।